वोकल फॉर लोकल की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे हेरिटेज विले की, एक ऐसे प्रॉपर्टी की जो शायद एक मड हाउस था, लेकिन उसको किस तरह से रेनोवेट करके उसको एक अच्छे से कॉटेज या फिर कह दीजिए स्टे होम में तब्दील किया गया। आज हम पहुंचे हैं पालमपुर के पास कंडवाड़ी में, जहां पर सेरेनिटी फार्म विले नाम का ये कॉटेज है। ये एक हेरिटेज विलेज के नाम से आपको गूगल में सर्च करके मिल जाएगा और आप देखेंगे किस तरह से इस बिज़नेस को शुरू किया गया है और किस तरह से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए रुक करते हैं इस खूबसूरत सी जगह का। तो आज मेरे साथ सेरेनिटी फार्म विले के को फाउंडर्स हैं इरा सक्सेना और साथ ही कोमल मेरे साथ मौजूद हैं। तो इरा, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए? मैं और मेरे हस्बैंड सोचते थे कि मड हाउस में रहना है और इसी तरीके का घर बनाना है, तो हमने अपना घर भी वैसा ही बनाया है। और कुछ ऐसा सोचते थे कि भई अपना जो लोकल कल्चर है उसको भी इस तरीके से प्रमोट किया जाए कि अपने कच्चे घर छोड़ करके पक्के मकानों में जा रहे हैं, उनको भी ये लगे कि फ़ायदा होता है इन मकानों का, ताकि वो अब वापस उन मकानों की रख रखाव के ऊपर ध्यान दें। तो इसी सोच को लेकर के फिर हमारे मेरे दोस्त से बात हुई थी जिनका ये फार्म था, तो उनसे बात हुई, फिर उन्होंने भी मेरे को कांटेक्ट किया कि अगर तुम चलाना चाहते हो तो करो। तो फिर हम लोग, मैं, कोमल और दो लोग हैं, मधुर है, मनुज हैं और कोमल के हस्बैंड हैं, हम लोग सारे मिल करके इस तरीके से सेरेनिटी फार्म विल शुरू किया हम लोगों ने। मैंने कभी भी इस बिज़नेस को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा है। मेरा हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं जिनको भी होस्ट कर रही हूँ मैं उनको एज अ मेरे घर के मेंबरों की तरह मैं होस्ट करूँ। जैसे मैं अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाती हूँ मैं वैसे उनके लिए बनाऊँ, जैसे हम अपने घर वालों के लिए सफाई रखते हैं उतना सफाई रखें। और हम लोगों में से किसी ने भी बिजनेस, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम सोचते तो हम इसको प्योर वेजिटेरियन ना रख करके नॉन वेज हम लोग प्रोवाइड करवाते, और जहाँ तक हो बिल्कुल लोकल मटेरियल, लोकल एस्पेक्ट्स को जिंदा रखने की कोशिश की है। अगर कोई ट्रैवलर आता है यहाँ पे एंड वी डोंट हैव द अवेलेबिलिटी बिकॉज वी हैव ओनली 5 rooms, वो अपने यू नो टेंट भी पिच कर सकते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, दे कैन डू स्टार गेजिंग, तो दिस इज ऑल्सो गुड। अभी मैं बता दूं कि क्योंकि अभी अनलॉक शुरू हो गया है तो अब टूरिस्ट जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, हिमाचल की तरफ आ रहे हैं, और पालमपुर की अगर मैं बात करूं क्योंकि मैं इस वक्त पालमपुर में हूं, तो लगभग सारे ही कॉटेजेस सब फुल मिलेंगे और यहां पर भी सब रूम्स बुक्ड हैं। लेकिन मैंने देखा आप सब एक साथ मिलकर, कोई भी इन्होंने वर्कर नहीं रखा मेरे साथ, मतलब मुझे तो नहीं दिखा। एक अंकल हैं जो हमारे माली हैं और एक है महिला मंजू जो किचन में हमारी हेल्प करती हैं। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो किसी को इनिशियल लेवल पे ये बिज़नेस शुरू करना हो और उसके पास अपना एक इस तरह का, क्योंकि मड हाउस है ये, तो अगर पुरानी अपनी ज़मीन है तो उसके लिए क्या आइडिया है? जब आप कच्चे मकान को थोड़ा सा रिपेयर करते हैं तो आप काफ़ी कुछ अगर स्वयं कर सकते हैं तो आप बहुत कम खर्चे में ही इन मकानों को बना करके अर्न कर सकते हैं ज़्यादा। इन्हीं कच्चे मकानों में जा रहे हैं तो कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जिसमें स्मॉल हट्स बना करके आप सस्ते में इस तरीके के बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। स्मॉल बैम्बू कॉटेजेस, बैम्बू वॉल्स बना के उसको मिट्टी से लिपाई दे करके, मैंने जब शुरू किया था तो मेरा कॉटेज वैसा ही था। फायदा है उस बिजनेस में? बिल्कुल है, लोगों को पसंद आता है। अगर यही बिजनेस कोई दिल्ली वाला शुरू करना चाहे दिल्ली में रह के या फिर कोई भी सिटी वाला, तो उसके लिए कोई आइडिया आपके पास है? अगर सिटी वाले भी थोड़ा रूट से कनेक्ट रहेंगे तो आई गेस वो ज़्यादा यू नो
थोड़ा सक्सेसफुल हो सकते हैं हॉस्पिटैलिटी और एनी होटल इंडस्ट्री में। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे घर जो हैं मड हाउसेस जो हैं वो यहीं पे बन सकते हैं, शहरों में भी कई हमारे दोस्त हैं जो शहरों में भी इसी तरीके के मड हाउसेस में रह रहे हैं, मड हाउस बना रहे हैं। आपसे लास्ट में जाते जाते बिजनेस टिप्स लेना चाहूँगी। सो आप कोई भी काम करते हो उसको एज अ यू नो नॉट ओनली मनी वाला चीज़ ना सोच के काम करें एंड कीप योर एम्प्लॉयज ऑलवेज हैप्पी। मेरी ये सोच है कि एम्प्लॉयज के दम पे आप बिजनेस अगर छोड़ देंगे तो वो बिजनेस कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये थी इरा सक्सेना और साथ ही साथ कोमल, जिन्होंने एक हिमाचल में मड हाउस बनाया है और सिरिंटी फार्म विले के नाम से। तो आप बिज़नेस का आइडिया भी यहाँ से ले सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।